स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर थ्री ठीक है मेटल एंड नॉन मेटल इसके आज हम एम करेंगे ठीक है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो आप पूछ सकते हो मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और मुझे खुशी होगी कि जब आप कमेंट करेंगे और मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ सो so, हम स्टार्ट करते हैं ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट ऑप्शन इज एन ए एंड कॉपर मेटल मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड एलमोनियम मेटल फेर सॉरी एफ ई फोर सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल ए जी थ्री सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल एफ क्या होता है आयरन आयरन सल्फेट सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल ए जी क्या होता है बच्चों सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल तो आपका आंसर क्या होगा इसमें इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए इसमें आपका आंसर होगा ए जी एनओ थ्री सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल ये क्या है इस पेयर के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो हो रही है और हमें पता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है ओके okay? देन आता है An element रिएक्ट with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be अब वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो क्या है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जिसका और जो पानी में भी सोल्यूबल हो तो ऑप्शंस आर कैल्शियम कार्बन सिलिकॉन एंड आयरन तो आपका आंसर क्या होना चाहिए फर्स्ट वन कैल्शियम ठीक है कैल्शियम जो है वो पानी में सॉल्यूबल होता है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज सूटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रास्टिंग आप लोगों को पता है वॉट इज रास्टिंग राइट जो जंग लग जाता है ना लोहे को कॉपर में कॉपर में भी रस्टिंग होती है ओके एंड सिल्वर में भी होती है ठीक है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बट यहाँ पर देखो जो ये मैथड इन्होंने शो किए हुए हैं अप्लाइंग ग्रीस अप्लाइंग प्लेन अप्लाइंग अ कोट ऑफ जिंक तीनों ही माथड है रस्ट को दूर करने के लिए बट यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा गया है बच्चों कि आयरन फ्राइंग पैन आयरन का फ्राइंग पैन है अब आप उस पर ग्रीस नहीं अप्लाई कर सकते पेंट नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक द आंसर वुड बी सी ओके ठीक है फिर है फूड कैन आर कोटेड विद टिन एंड नॉट टिन से कोटेड करते हैं जबकि जिंक से नहीं करते रीजन क्या हो सकता है इसका जिंक इज कॉस्टलियर है हाई मेल्टिंग पॉइंट इज लेस रिएक्टिव देन टिन या फिर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन तो आप लोगों के माइंड में आ गया होगा इसका आंसर तो इसका आंसर है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन ठीक है जिंक जो है वो इसके कंपैरिजन में टिन के कंपैरिजन में क्या होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ यूज फॉर मेकिंग बेल एंड स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन आप लोगों ने ये देखे होंगे सितार और वायलिन ठीक है और इनकी जो हमारे आप लोगों के पहले अब नहीं होती है पर हमारे टाइम में जो है स्कूल की बेल्ट जो होती है वो आयरन की बनी हुई हो होती थी तो वो सब आ, ऐसे मेडल्स की क्यों बनाई जाती है क्यों क्या प्रॉपर्टी की वजह है जो इस चीज़ के लिए बनाई जाती है सोनोरस मलाइबिलिटी डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी सोनोरस क्या है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं मलाइबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को क्या किए जाती है पीट पीट कर उनकी शीट्स बनाई जाती है डक्टिलिटी में वायर बनाई जाती है कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेटल्स के अंदर से कंडक्ट होती है तो अब इसमें अगर इसमें बात हुई है कि इंस्ट्रूमेंट्स की क्योंकि अब इंस्ट्रूमेंट तो क्या है बजते हैं तो बजते हैं तो आवाज आती है तो इसमें प्रॉपर्टी आपके काम आएगी सोनोरस ठीक है आंसर इज ए फिर आपके आता है ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ़ ऑफ़ द गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आपको आती है तो आप इसका आंसर दे पाओगे बच्चों ज़िंक टिव मैग्नीशियम सोडियम इसमें चार ऑप्शन आपको गिवन है तो मैग्नीशियम इज मोर जिंक एंड जिंक इज मोर देन आयरन तो आंसर आपका होगा इसमें डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अल्मोनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स डाश एंड वाटर अब आपको ये रिएक्शन में पता होना चाहिए कि जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपका क्या बनेगा अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम ऑक्साइड बनेगा या सोडियम एलमोनियम ऑक्साइड बनेगा या एलमोनियम सोडियम ऑक्साइड बनेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए आपका आंसर होना चाहिए सी ठीक है जब आप इन दोनों को कंबाइन कराओगे तो आपका बनेगा सोडियम एलमोनियम ऑक्साइड ठीक है नॉन मेटल फॉर्म कोबल एंड क्लोराइड बिकॉज नॉन मेटल जो है वो कोबल एंड क्लोराइड बनाते हैं क्यों बिकॉज दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरिन दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरिन दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन आइटम टू फॉर्म क्लोराइड दे कैनॉट शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन आटम तो इसमें क्या होगा कि दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरिन वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरिन एटम के साथ क्या कर लेते हैं शेयरिंग कर लेते हैं और कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा क्या होती है शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ओके तो आंसर आपका होगा इसमें बी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनमें से कौन देता है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही अब इसके अंदर भी आ गया है नाइन्थ क्वेश्चन में नाइन्थ क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होना चाहिए ये है आयरन सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर मेटल या फिर सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर मेटल तो आपका आंसर होगा इसमें बी ठीक है ये भी जो है ये जो दोनों पेयर है वो आपस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेंगे ओके विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइनिक कंपाउंड अब आपको ये बताना है कि आइनिक यहाँ पे बच्चों बाय मिस्टेक टायर लिख दिया है बट यहाँ पर है क्या द ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइनिक कंपाउंड आपको पता होना चाहिए कि आइनिक कंपाउंड कौन से होते हैं वो कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या होते हैं आयन प्रेजेंट होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल जो है आपस में आयनिक फॉर्म में होते हैं राइट और यहाँ पर ये बच्चों के सी नहीं होगा यहाँ पर के सी एल होगा ओके के सी एल बन इसको मानना कि ये के सी एल है एच सी एल सी सी एल फोर एन सी एल ऑप्शन आपको गिवन है वन एंड टू टू एंड थ्री थ्री एंड फोर और वन एंड थ्री तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें बी ओके सेकेंड एंड थर्ड यानी एच सी एल एंड सी सी एल फोर ये क्या है दे आर नॉट आइनिक कंपाउंड दे आर कोवलेंट कंपाउंड आपको पता होना चाहिए कि आइनिक कंपाउंड कौन से होते हैं जब दो एटम जो होते हैं ना जो आपस में बॉन्डिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि कंप्लीटली ट्रांसफ़र करते हैं वन और मोर इलेक्ट्रॉन क्यों आपस में क्यों ट्रांसफर करते हैं सो दैट कि वो नियरेस्ट गैस कॉन्फ्रिक क्रिएशन को अटेन कर सके ठीक है उसकी वजह से क्या है कि आयनिक बॉन्ड बनता है और फिर उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक बॉन्ड होता है राइट जिसकी वजह से अगर उनको आप तोड़ना भी चाहो तो वो टूटते नहीं हैं और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है उसमें सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है आपस में एक दूसरे के से वो शेयरिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाती है ओके सो so, बच्चों कैसा लग रहा है आप लोगों को अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सो so दैट कि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस जो है आपकी स्टडी से रिलेटेड लाती रहूं ओके फिर हमारा अलेवेंथ क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द थ्री एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड आर एज फोलो इसमें क्या गिवन है बच्चों इसमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन गिवन है देखो एक्स की टू फोर y की टू सेवन जेड की टू वन अब इसमें ये पूछा है विच टू एलिमेंट विल कम्बाइन टू फॉर्म एन आइनिक कंपाउंड एंड राइट द करेक्ट फार्मूला इनमें से कौन से दो एलिमेंट है जो आपस में कंबाइन करेंगे और आइनिक कंपाउंड बनाएंगे फर्स्ट है एक्स टू वाई बी है वाई जेड थ्री है एक्स जेड थ्री और d है इसमें वाई टू जेड तो आपका आंसर होगा इसमें b, y एंड z. वाई एन जेड क्यों होगा बच्चों देखो वाई में है टू सेवन राइट और जेड में है टू वन तो क्या करेंगे ये अब ये क्या है ये इसको एक दे देगा ठीक है तो इसकी क्या होगी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और इसकी भी कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो है वाई जेड जो है कंपाउंड जो बनेगा ये आपका आयनिक कंपाउंड शो करेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर एक्सट्रेक्टिक बाय द अब ये जो मेटल्स हैं आपकी जो हाईली रिएक्टिव मेटल है सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम इनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो कौन सा तरीका है फर्स्ट इलेक्ट्रोलिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड सेकेंड इलेक्ट्रोलिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड रिडक्शन बाय एलमोनियम या फिर रिडक्शन बाय कार्बन तो इसमें आपका आंसर होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ़ इलेक्ट्रोलिस मोल्टन क्लोराइड जब ये क्लोराइड के साथ होते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ठीक है तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस अब लस्ट्रस प्रॉपर्टी क्या होती है जिसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है तो आपको इन चारों में से ऑप्शन गीवन है अब आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से है तो आपको दो मिनट में माइंड में आ जाएगा कि कौन सी नॉन मेटल है जिसमें शाइनिंग होती है सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फिर आयोडीन ठीक है तो आप लोगों को पता होना चाहिए आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा डी ठीक है आयोडीन क्या है नॉन मेटल है जो क्या है जिसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी पाई जाती है फिर आगे आता है एम्फोटरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल बताओ कि कौन सा होता है ठीक है एम्फोटरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं जिसमें एसिड एज वेल बेसिक के करेक्टर होते हैं तो एग्जाम्पल है सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड एलमोनियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो आंसर होगा एलोमोनियम ऑक्साइड ये एम्फोटरिक ऑक्साइड है ठीक है फिफ्टीन क्वेश्चन है आपका द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ट्वेल्व विच इन गैस इज नियरेस्ट टू एक्स अब आपको एक्स एलिमेंट बताना कि वो कौन सा है ठीक है और एक्स का क्या है एटॉमिक नंबर ट्वेल्व है तो ट्वेल्व है तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कर लो टू एट एंड टू राइट तो अब ये किसके नियरेस्ट है हीलियम की आपको क्या है कि अटोमिक नंबर पता होना चाहिए हीलियम का होता है टू सॉरी हाइड्रोजन का होता है टू तो ठीक है और आर्गन नियोन क्रिक्टॉन आर्गन नियोन का क्या है कि अटोमिक नंबर जो होता है वो टेन का होता है तो इसीलिए ये जो है आपका एक्स एलिमेंट जो है वो किसके नियरेस्ट होगा नियोन के राइट right? फिर है हमारा सिक्सटींथ क्वेश्चन द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट और इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इंटू अ मेटल ऑक्साइड इज कोल्ड कौन सी प्रोसेस बोलते हैं रोस्टिंग बोलते हैं उसको रिडक्शन बोलते हैं कैल्सिनेशन बोलते हैं या फिर स्मेल्टिंग बोलते हैं तो इसमें उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट और इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन द एबसेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इंटू अ मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड अ कैल्सियशन ठीक है फिर है इन अ थर्माइट वेल्डिंग अक्सचर ऑफ डैश एंड डैश इज इग्नाइटेड विदर्निंग मैग्नीशियम रिबन विथ प्रोड्यूस मोल्टन आयरन मेटल एज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व तो अब इसमें आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है आयरन थ्री ऑक्साइड एंड एलमोनियम पाउडर आयरन टू ऑक्साइड एंड अलमोनियम पाउडर आयरन थ्री क्लोराइड एंड अल्मोनियम पाउडर या आयरन थ्री सल्फेट एंड अल्मोनियम पाउडर ये जो बच्चे ये जो है ना ये इसमें आप कन्फ्यूज मत हो क्योंकि ये अभी आपके लेवल का नहीं है जब आप प्लस वन प्लस टू में जाओगे तो ये आपको ईजिली से जो है समझ आ जाएंगे ठीक है अभी आपका आंसर क्या होगा इसमें ए ए इज योर करेक्ट आंसर आयरन थ्री ऑक्साइड एंड अल्मोनियम पाउडर ओके फिर आपके आता है एटीन एन एलिमेंट एक्स इज अ सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ वॉ वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज अ वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन बी कप ओपिन इन एयर इट रिएक्ट विगरसली विद वाटर आइडेंटिफाइड एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा वो एलिमेंट है जिसको आप चाकू से भी काट सकते हो बहुत सॉफ्ट होती है रिएक्टिव होती है ठीक है सोडियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस एंड कैल्शियम तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा बच्चों सोडियम ठीक है ये ऐसी मेटल है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है और जिसको अगर आप ओपन खुला करके रख दोगे तो ये क्या कि कैच फायर कर लेती है और इसीलिए इसको कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है तो आंसर इस बी ओके देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ थ्री एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड आर एक्स की इतनी देर की है वाई की टू एट सेवन जेड की टू एट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है एक्स जो है वो मेटल है वाई इज अ मेटल या जेड इज अ नॉन मेटल या वाई इज अ नॉन मेटल एंड जेड इज अ मेटल तो आपका आंसर होगा सी जेड इज अ नॉन मेटल जेड नॉन मेटल क्यों है देखो इसकी कॉन्फिग्रेशन को देखो अब इसमें फर्स्ट में देखो टू और एट है तो ये तो इसकी ऑप्टेट कंप्लीट है ओके अब नेक्स्ट बाय में देखो टू एट सेवन है तो ये क्या है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसकी ऑप्टेट कंप्लीट हो जाएगी यानी ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से तो जो लेते हैं वो क्या होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं ठीक है और जेड क्या है कि टू एट टू है तो इसमें क्या है कि टू इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर शेल में है तो ये क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा तो इसीलिए Z इज अ नॉन मेटल जो देते हैं वो नॉन मेटल होते हैं और जो लेते हैं वो क्या होते हैं मेटल्स होते हैं तो राइट आंसर इज सी लास्ट क्वेश्चन नहीं है अभी हमारा इज द ट्वेंटी क्वेश्चन कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ जो कॉपर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है तो वो किसकी वजह से आती है कॉपर ऑक्साइड कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड बेसिक कॉपर कार्बोनेट या फिर कॉपर कार्बोनेट की वजह से तो इसमें आंसर आपका है बेसिक कार कॉपर कार्बोनेट की वजह से उनमें ग्रीन कोटिंग जो है वो आ जाती है ठीक है अब ट्वेंटी फर्स्ट है अमेलगम इज एन अलॉय अब अमेलगम जो है वो किसका अलॉय है ठीक है फर्स्ट है कॉपर एंड टीन मर्करी लेड टीन या फिर कॉपर एंड जिंक तो अमेलगम जो है वो आपका मर्करी का क्या है अलॉय है ठीक है उसके बाद आता है आपका रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म कम्पाउंड जेड एक्स लूज इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन इलेक्ट्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाई जेड अब आपको ये बताना है कि जो एक्स और वाई है उन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है फिर आपका बनता है क्या जेड बनता है एक्स और वाई ये दोनों क्या है कि आपके कम्बाइन होते हैं तो आपका बनता है जेड एक्स लूज इज इलेक्ट्रॉन एक्स जो है वो लूज करता है वाई गेन करता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ नॉट शोन बाई जेड जेड ये दे रहा है ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन और अब आपको ये बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी जेड जो है वो शो नहीं कर रहा हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट या और रहा है सॉलिड तो इसमें आपका आंसर होगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट ये जो है प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा जेड कंपाउंड ओके फिर आपके आता है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द इज सबसे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली क्रस्ट के अंदर कौन सी मेटल होती है आयरन एलमोनियम कैल्शियम या फिर सोडियम सबसे ज्यादा पाई जाती है अर्थ क्रस्ट के अंदर एल्यूमीनियम कौन सी मिल, मिलती है बच्चों एल्यूमीनियम ठीक है फिर है ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एलमोनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एलमोनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से जो कुकिंग यूटेंसिल्स है वो बनाए जाते हैं फर्स्ट है गुड थर्मल कंडक्टिविटी सेकेंड है इलेक्ट्रिकल कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी में देखो जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसके थर्मल कंडक्टिविटी में जिसमें हीट पास हो उसके ठीक है थर्ड है डक्टिलिटी या फिर उसकी वायर्स बनाई जा सकती है हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको पता ही है तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा आपका आंसर जो है वो सही है फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड एंड थर्ड या फिर वन एंड फोर्थ तो इनमें से आपको बच्चों कौन सा लग रहा है ट्वेंटी फोर्थ का आंसर कौन सा लग रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ यानी गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट दीज टू आर करेक्ट और सेकेंड और थर्ड नहीं होगा इसमें इस ये जो दो प्रॉपर्टी है इनके ऊपर बेस जो है अल्मोनियम के जो है वो यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं ठीक है ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है ऑक्साइड ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटर लाइक जिंक आरन निकल टेन कॉपर एक्सेट्रा आर रिड्यूसड बाई यूजिंग फर्स्ट है एलमोनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम एज रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट कैल्शियम एज रिड्यूसिंग एजेंट तो आपका आंसर होगा कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है सो दैट कि ये जो ऑक्साइड ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है जेंग आयरन निकल टीन कॉपर जो है ये रिड्यूस किए जाते हैं विद दी हेल्प ऑफ कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है agent, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए जो है नीचे इनके आंसर जो है गिवन है अगर आपको चेक करने हो तो आप चेक कर सकते हैं ठीक है थीके? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक करना शेयर करना सो so दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का जो है उनको लाभ मिल सके एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो थैंक यू